जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय हनुमान। दोस्तों, अकाल मृत्यु से बचने के लिए, दुर्घटना से बचने के लिए हम लोग त्रयोदशी के दिन अपने घर के दरवाजे पे यम का दीपक जलाते हैं। यानी यम देवता को प्रसन्न करने के लिए हम लोग अपने दरवाजे पर एक चौमुखा दीपक जलाते हैं। आज मैं आपको एक इससे जुड़ी हुई बड़ी ही रोचक जानकारी बताने का प्रयास करूँगी, जो शायद आपको पहले कभी किसी ने नहीं बताई होगी। तो ये जानने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप भी हमारे सनातन परिवार का हिस्सा बन सके। और हाँ दोस्तों, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमें यम का दीपक किस समय जलाना है। तो दोस्तों, हमेशा यम का दीपक जो होता है वो शाम के समय जलाना चाहिए। जलाने से पहले ये ध्यान रखिए कि घर का कोई सदस्य घर के बाहर ना हो। घर के सारे सदस्य घर पे जब आ जाएं तब इस दीपक को जलाएं। दीपक जलाने का सही समय शाम को होता है, यानी संध्या के समय। आप संध्या में 6 बजे से लेकर और रात्रि 9 बजे तक आप यम का दीप जला सकते हैं। दीपक जलाते समय आप एक बात का ध्यान रखें कि दीपक नया नहीं होना चाहिए। आप हमेशा कोई पुराना दीपक हो, आप उसी को जलाएं। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि आप उसमें चौमुखी बाती, यानी उसमें चार तरफ बाती लगाएं। और दोस्तों, अगर किसी वजह से आपको पुराना दीपक ना मिल पाए तो आप आटा गूंदकर आटे का चौमुखी दीपक बना सकते हैं। हमारे यहाँ प्रथा है और कुछ जगहों पर लोग चौमुखी दीपक आटे को गूंथकर बनाते हैं। तो आप आटे को गूंथकर चौमुखी दीपक बना सकते हैं और उसमें चारों तरफ बाती लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको चौमुखी दीपक लगाना है। और अगर किसी वजह से आप एक बाती का दीपक लगा रहे हैं तो उसका मुंह हमेशा दक्षिण की तरफ ही होना चाहिए। अब दोस्तों, कुछ माताएं बहनें सोचती हैं कि हमें उसमें कौन सा तेल डालना है, तेल का तेल डालें या सरसों का तेल डालें। तो ध्यान रखिएगा कि हमेशा यम के दीपक में सरसों का तेल ही डाला जाता है, कभी तिल का तेल और घी नहीं डालते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, आप दीपक प्रज्वलित करने से पहले स्नान आदि करके साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही दीप प्रज्वलित करें। इसके साथ साथ आप उस दिन तामसिक भोजन ना करें। वैसे तो हिंदू तीज त्योहारों में हर त्यौहार पर, हर व्रत पर तामसिक भोजन की मनाही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो दीप जलाएगा वो ही तामसिक भोजन ना करे। दिवाली के 5 दिन के पर्व पे आप कोशिश करें कि किसी भी दिन तामसिक भोजन को ग्रहण ना करें, ना केवल दीप जलाने वाला बल्कि परिवार का कोई भी सदस्य तामसिक भोजन ना करे। अब दिया हमें जलाना कहाँ पर है? हमें दिया अपने घर के पास, जहाँ पर भी कूड़ा कचरा इकट्ठा होता है या घर की नाली होती है, उधर उत्तर दिशा में आपको यम का दीपक जलाना है। दोस्तों, यम का चौमुखा दीपक जलाने के बाद आपको यम से प्रार्थना करनी है कि आपकी परेशानियों को, कष्टों को दूर करे और घर में सबको दीर्घायु करे। दोस्तों, यम का दीपक जलाने से जो हमें यातनाएं मिलती हैं मृत्यु के बाद, वो बहुत हद तक कम हो जाती हैं। इसलिए सभी लोग अपने घर में त्रयोदशी के दिन यम का दीपक जरूर जलाएं। भगवान धन्वंतरि की पूजा करने के बाद यम के नाम का दीपक सब लोग दक्षिण दिशा की तरफ अवश्य लगाएं। और दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोग यम का दीपक जलाकर अपने परिवार को अकाल मृत्यु से बचा सकें। इसी के साथ दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय हनुमान।